कौन कौन चाहता हमारे मन को भी शांति मिले? जो जो चाहते हाथ उठा। अच्छा, डॉक्टर के पास जाओ तो तुम बीमार हो, वो तुम्हें मेडिसिन दे, तो तुम उसे ग्रहण करते हो कि नहीं? और अगर तुम कह रहे हो मेरे सामने शांति चाहिए, आपने हाथ उठाया, अगर मैं मेडिसिन दू मतलब उपाय बताऊं, तो वो ग्रहण करनी चाहिए कि नहीं? 90% नहीं करेंगे, जरूर करें। अरे मुझे पता है मेरे फॉलोअर्स कैसे हैं भाई, मुझे ये भी पता है मेरे लिसनर्स कैसे हैं। सुनते बहुत हैं, करते 2-4% हैं, और मैं बोलता भी सिर्फ 2-4% के लिए हूं। 95% सुने, अप्लाई 2-4% करेंगे, तो उन्हीं के लिए बोल रहा हूं जो 2-4% में आना चाहते हैं। सुनो, हमारे जीवन में इतनी अशांति क्यों है? रीजन जानते हो? क्योंकि अब हमने झुकना बंद कर दिया, अब हमने सेवा करना बंद कर दिया, अब हमने अपने कर्मों का चिंतन करना भी बंद कर दिया है। अब हम अपने कर्मों का चिंतन नहीं करते, दूसरों के कर्मों पर टिप्पणी करते हैं, अपनी अच्छाई का प्रदर्शन फेसबुक से करते हैं और दूसरों की बुराई का भी प्रदर्शन यूट्यूब से करते हैं। Am I right or wrong? और इस समाज में तो नेगेटिव ज्यादा देखे जाते हैं, पॉजिटिव नहीं देखे जाते। यहां कोई एक चीज नेगेटिव हो जाए, फिर देखिए एक से एक धुआं कर देते हैं लोग, और पॉजिटिव जीवन भर कर करके मर जाओ, कोई तुम्हें यूं एक व्यक्ति नहीं मिलता जो ये कह दे कि बड़ा अच्छा कर रहे हो। इसके बावजूद भी अच्छा करने वालों को कभी हार। शांति चाहते हो तो अपने जीवन में सेवा स्वीकार करो, विनम्रता स्वीकार करो, बड़ों का आदर करना प्रारंभ करो, भगवान के आगे साष्टांग दंडवत प्रारंभ करो। आजकल के लोग भगवान को प्रणाम नहीं करते। हम तो घर के बड़ों को भी एक हाथ से पैर छू लेते। कौन कौन एक हाथ से छू लेता पैर? पुरुष लोग ही छूते हो, बताओ जो जो छूते हैं आपको बताते हैं कितना अच्छा काम आप करते हो, सब बताते हैं। अभी हंसी नहीं, सच्ची बता रहे हैं। जो एक हाथ से पैर छूते अपने बड़ों के, वो हाथ उठाइए। अब सुनिए, बहुएं भी तो छूती होगी अपनी सासू माँ के पैर ही पहना माता जी है। जो मनुष्य एक हाथ से पैर छूकर प्रणाम करता है, तत्क्षण उसके जीवन के पूर्व संचित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जितने भी पूर्व में संचित पुण्य है वो उसी समय नष्ट हो जाते हैं। कभी भी एक हाथ से पैर को प्रणाम नहीं करना चाहिए, दोनों हाथ जोड़कर या फिर सर झुकाकर बड़ा विनम्र होकर प्रणाम करना चाहिए। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें सीखनी चाहिए और अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। पुरुषों को एक साष्टांग प्रणाम एवरीडे भगवान को करनी चाहिए, माताओं को अपने घुटनों के बल बैठकर पृथ्वी पर माथा टेक कर एवरीडे प्रणाम, कम से कम 3 कर सको, 5 कर सको तो और भी अच्छा है, पर एक प्रणाम तो निश्चित करना चाहिए। नारद जी कहते हैं, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, मैं दासी का पुत्र था तो मेरी माँ जिनके यहां सेवा किया करती थी, वो जो थे वो बहुत भगवत भक्त थे, संतों के उससे भी ज्यादा भक्त थे। जब भी कोई संत आता था तो वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करते थे। एक बार संतों की एक टोली आई, और संतों की टोली आई तो संतों की टोली ने 4 महीने रुके वहां। कितने दिन? तो संतों की टोली तो 10-15 लोगों की तो होगी कि नहीं? कौन है जो अपने घर में अब संतों की टोली को, मतलब 4 लोगों को 2 महीने पर रोक सकता है? एक दिन भारी पड़ता है, 2 दिन तो बहुत हो गए, 2 महीने तो बहुत हो गए। अब वो कह रहे, मैं दासी पुत्र था, छोटा ही था, 5-6 साल का ही था, मुझे भी संतों की सेवा में लगा दिया, और जब संतों की सेवा में मुझे लगा दिया तो मैं भी सेवा में ही था, तो हुआ क्या जानते हो? शाम को जब संत भजन करके भोजन करके रात को सोने जाते तो मैं उनके चरण दबाता था, प्लीज ध्यान से सुनना,
और वो जब मैं चरण दबाता था तो वो सत्संग करते थे आपस में। तो मेरे प्यारे, नारद जी कहते हैं संतों की प्रवचन सुन सुनकर, कथा सुन सुनकर मेरा इतना मन लग गया कि मैं भी भगवान का भक्त बन गया। और मैंने कहा कि जब संत जाने लगे तो कहा मैं भी आपके संग चलूंगा। तो संतों ने कहा जब तक तुम्हारी माँ है इनकी सेवा करो। तो उस कारण से हमको वहां रुकना पड़ा, पर उन्हीं संतों के कारण, उन्हीं की कृपा से, हम संतों के प्रसाद से दासी पुत्र से देवर्षि नारद बन गए। क्या बन गए?